नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। आईपीएल खत्म हो चुका है और अब भारतीय टीम अपने देश की जर्सी में नजर आने वाला है। वहीं इसकी शुरुआत होगी 7 जून से खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से, जो कि ओवल के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। वहीं 7 से 11 जून के अलावा 12 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। चैंपियनशिप के बाद भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर है और एक थोड़ी बुरी खबर, तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि यह कौन सा खबरों का सिलसिला है। भारतीय टीम के 15 मेंबर सदस्य रिजर्व खिलाड़ी सहित पहुंच चुके हैं लंदन टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने। जडेजा, शुभमन गिल, अजिंक्य रहाने, केएस भरत सहित अब पूरी टीम लंदन पहुंच चुकी है। वहीं फाइनल का प्लेइंग 11 तो अभी किसी को नहीं पता है, मगर इस टेस्ट मैच के बाद का शेड्यूल लगभग तय हो चुका है। तो इसमें जो अच्छी खबर है वो ये है कि भारतीय टीम को इस फाइनल टेस्ट मैच के बाद पूरे एक महीने का आराम मिलेगा, यानी कि 12 जून से 12 जुलाई तक भारतीय टीम के खिलाड़ी अपने घर पर आराम करेंगे, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताएंगे। मगर 12 जुलाई के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों को साल के अंत में होने वाले विश्व कप तक कोई भी आराम नहीं मिलने वाला है। 12 जुलाई से भारत वेस्टइंडीज़ दौरे पर रहेगा, जहां दोनों देश के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं इसके बाद सितंबर के महीने में एशिया कप भी खेला जाना है, जिसमें 12 मुकाबले खेले जाने वाले हैं और उसमें से 6 मुकाबले भारत खेलेगा और फाइनल में टीम पहुँच जाती है तो। इसके बाद फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेला जाना है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत का दौरा करेगी। इस सीरीज़ में 3 वनडे मुकाबले खेले जा सकते हैं और फिर उसके बाद होगा वनडे विश्व कप, जिसमें लगभग 48 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे। मतलब पूरे 6 महीने पूरे देश को वनडे मुकाबला देखने को मिलने वाला है। भारतीय टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला वनडे सीरीज को रद्द कर दिया गया, जिस वजह से टीम को एक महीना आराम करने का समय मिल गया है। वहीं फिलहाल भारतीय टीम की नज़र टेस्ट चैंपियनशिप को हासिल करने पर होगी, क्योंकि पिछली बार इससे टीम एक कदम दूर रह गई थी। तो उम्मीद करेंगे कि इस बार भारतीय टीम से कोई चूक ना हो और ट्रॉफी हासिल कर वतन वापस लौटे। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।